श्री आदि भूमि देवी माता साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं अकारो मध्यमरूपं अनुस्वारः शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहिषा गणेश विद्या गणकऋषिः निषद गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदया। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतं आर्वीभूतं च सृष्ट्याद्यौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरा। एकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने मूलाधार स्वाधिष्ठान नाभि भवसागर हार्ट विशुद्धि आज्ञा एंड शस्त्रार को महसूस करें बारी बारी से, और विशुद्धि से दोनों कंधे, कंधे से दोनों कोहनी, और कोहनी से दोनों हाथ की हथेली तक महसूस करें। उसी प्रकार से मूलाधार से दोनों थाई से दोनों घुटने से होते हुए पैर के दोनों तलवे तक महसूस करें। सिर चित्र दें और कुछ नहीं करें, और इधर उधर देखना बंद कर दीजिए। हम लोग इधर उधर बहुत देखते हैं, हमारा चित्त बहुत विचलित रहता है। तो सबसे पहले अपने चित्त को अपने अंदर रखिए, दूसरों को देखने से कुछ नहीं होने वाला। जितना हमारी दृष्टि अपनी तरफ रहेगी उतना हमारा चित्त एकाग्र होगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जो दृष्टि है ये हमें अंदर की तरफ कभी नहीं आने देगी। तो अपने चित्त को एकाग्र होने के लिए सिर्फ अपने ही उत्थान पर दृष्टि रखिए। फिर से महसूस करिए मूलाधार स्वाधिष्ठान और सभी चक्रों पे। दोनों मूलाधार थाई, दोनों घुटने और नीचे पैर के तलवे तक। उसी प्रकार से विशुद्धि से दोनों कंधे, ललित चक्र और श्री चक्र, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की हथेली। और इस पृथ्वी माँ से प्रार्थना करें कि अभी भी हमारे अंदर ऐसे दोष हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर स्थित हैं, कृपया करके उन्हें आप अपने अंदर सोख लेने की कृपा करें। पूरे पेट में महसूस करें, पेट से पैरों से होते हुए निकाल दें उसे। को गोद में रख लीजिए, बिल्कुल हल्के होके बैठिए। इस प्रकृति में जैसे हम अपने आप को छोड़ दें उसी तरीके से सतर्कता में अपनी ओर अपने आप को छोड़ दीजिए, सतर्क रहते हुए। अपने चित्त की ओर देखें कि क्या वो एकाग्र है, इधर उधर दौड़ रहा है। उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, लेकिन उसको सिर्फ देखिए मात्र।
अपने राइट हैंड को हार्ट पे रखिए, लेफ्ट हार्ट पे। और अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम सिर्फ सुनेंगे, उसके अर्थ को सुनेंगे। असंगो हूं, असंगो हूं, असंगो हूं, पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हूं, अहमेवाहमव्ययः, नित्यशुद्ध विमुक्तो हम, निराकारो अहमेव च, भूमानंद स्वरूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, नित्यो हम, निर्वध्यो हम, निराकारो अहमच्युतः, परमानंद स्वरूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, शुद्ध चैतन्य रूपो हम, आत्मा रामो अहमेव च, अखंडानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, प्रत्यक्ष चैतन्य रूपो हम, संतो हम, प्रकृति परः, शाश्वतानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, मैं अनासक्त हूँ, मैं अनासक्त हूँ, किसी भी प्रकार के बंधन से सदा मुक्त हूँ, मैं अस्तित्व चेतना आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, अविनाशी और सदा अपरिवर्तनशील, मैं शाश्वत हूँ, मैं शुद्ध हूँ अर्थात माया के नियंत्रण से मुक्त हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं निराकार अविनाशी और परिवर्तनहीन हूँ, मैं अनंत आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, अविनाशी और परिवर्तनहीन, मैं अनादि हूँ, मैं दोष से मुक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी और परिवर्तनहीन हूँ, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, अविनाशी और परिवर्तनहीन, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं अपने आप में आनंद लेता हूँ, मैं अविभाज्य आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, अविनाशी और परिवर्तनहीन, मैं अंतर्यामी चेतना हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ अर्थात माया से मुक्त हूँ, सभी उत्तेजनाओं से मुक्त हूँ, मैं शाश्वत आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं प्रकृति हूँ और अविनाशी और परिवर्तनहीन हूँ, निष्कलोहं निष्क्रियोहं सर्व आत्मा आद्य सनातनः अपरोक्ष स्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः अनेन वेद्यं सच्चास्तम् इति वेदांत डिंडिमः।
ब्रह्म वास्तविक है, ब्रह्मांड मिथ्या है। इसे वास्तविक या सत्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जीव स्वयं ब्रह्म है और अलग नहीं है। इसे सही शास्त्र समझना चाहिए। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है। मैं शुभ आंतरिक प्रकाश और बाहरी प्रकाश, अंतर्यामी प्रकाश, उच्चतम से भी ऊंचा, सभी प्रकाशों का प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान व प्रकाश हूँ जो आत्मा है, जिसे बार बार चिंतन करने के बाद पता चलता है कि वह केवल साक्षी है, वही मुक्त है, वही ज्ञानी है। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है। दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, वे दृष्टा और दृश्य हैं। दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। समस्त वेदांत यही कहते हैं, अर्थात जो देख रहा है वो ब्रह्म है और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब माया है। तो बड़ी सूक्ष्म बात इसमें बताई गई आदि शंकराचार्य ने। अब अपना चित्त उन सब बातों पर डालिए जिसमें सामान्यतः हम लिप्त रहते हैं, जिससे दुखी रहते हैं, जिससे सुखी होते हैं, और उन सब पर चित्त डालते हुए कहिए, श्री माता जी, ये सब वास्तव में सब मिथ्या ही है। चाहे कोई भी चीज़ हो, घर परिवार संसार, उस पर सिर्फ मात्र एक चित्त डालिए। जिस मृत्यु लोक में हम फिर से जाएंगे उस पर पूरा चित्त डालिए। और उसको रिकग्नाइज कीजिए, पहचानिए एज ए माया, माया के रूप में। भगवान शिव को याद करिए अपने अंदर और इस स्तुति को सिर्फ उनके स्वरूप को अनुभव करते हुए, उनका जो स्वरूप है उसको महसूस करिए उसमें।
शेत भस्म अंग अंग धार भूषण भुजंग निरतत नटराज शंभु कर त्रिशूल भूरि भंग जय शंकर चंद्र भाल गंगाधर कंठ व्याल जी को देखें, उन सब तत्वों की ओर भी देखें जो माया स्वरूप हमारे इर्द गिर्द हैं, जहाँ हमारा चित्त जाता है या जाता रहता है, भय के कारण, चिंता के कारण, दुख के कारण, अटैचमेंट्स के कारण,
इसे हम अज्ञानता कहते हैं। दोनों हाथों पर सिर पर चैतन्य के प्रकाश को, प्रकाश मतलब देखने वाली स्थिति नहीं, मात्र चैतन्य, उसे महसूस करें। बिल्कुल नॉर्मल रह के आंखें खोल लीजिए, एक बिल्कुल नॉर्मल स्थिति को महसूस करिए जहां हम स्वयं के साथ स्थित हैं। आंखें खोल लें, आराम से बैठिए, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड और इस प्रकृति के साथ में तादात्म्य स्थापित करें। श्री माता जी से विनती करें, श्री माता जी स्वरूप अवस्था को महसूस करना चाहते हैं, इस ज्ञान को हमारी चेतना में स्थापित कर दीजिए, इस मानवीय चेतना में जो सत्य का ज्ञान है वो प्रसारित कर दीजिए। ताकि ये मानवीय चेतना उस सामूहिक चेतना से एक रूप हो सके। श्री माता जी, इस चित्त की जहाँ आवश्यकता हो केवल ये चित्त वहीं जाए, अन्यथा ना जाए, ऐसा आप हम पर कृपा कर दीजिए। वास्तव में हम सब देखें तो हम पूरी तरह से चारों ओर अज्ञानता से घिरे हुए हैं। हमारे चहुर अज्ञानता ही अज्ञानता है। और उन अज्ञानताओं के बीच में जो है वो ब्रह्म चैतन्य है।
बस उस अज्ञानता को पहचानना ही सर्वोत्कृष्ट बात है। उसके पीछे परेशान होना, अटैच होना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको एक बार देख करके सिर्फ पहचानिए कि वो सब अज्ञानता मात्र है। हम अज्ञानी हैं इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम ज्ञानी हो जाएंगे तो हमें दुख और सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि अज्ञानी मनुष्य दया का पात्र है और अज्ञानी मनुष्य को ही सुख और दुख की घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अपने सीधे हाथ को सिर से ऊपर रखिए। अब ये सब चीज़ें अगर हम नए लोगों को भी कराएंगे तो उनको अनुभव होगी। ऐसे हाथ रखिए, हाथ को सिर के ऊपर ही रखिए। शस्त्रार के श्री माता जी ने जो मंत्र बताए हैं हम सब उसको सब एक साथ लेंगे। श्री महागणेशा ओम तुमेव साक्षात् श्री महागणेशा नमो नमः। श्री महावीरा ओम तुमेव साक्षात् श्री महावीरा नमो नमः। श्री महत मनसा ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत मनसा नमो नमः। श्री महत अहंकार ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार नमो नमः। श्री हिरण्यगर्भ साक्षात् श्री हिरण्यगर्भा नमो नमः। श्री सत्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्या नमो नमः। श्री महच्चित्ता ओम त्वमेव साक्षात् श्री महच्चित्ता नमो नमः। श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति नमो नमः। हाथ सामने कर लें, महसूस वहीं करते रहें। श्री विराटा ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराटा नमो नमः। श्री कल्कि ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि
श्री सदाशिव श्री अर्धबिंदु साक्षात् श्री अर्धबिंदु नमो नमः श्री बिंदु ओम त्वमेव साक्षात् श्री बिंदु नमो नमः श्री वलय ओम त्वमेव साक्षात् श्री वलय नमो नमः श्री आदि ब्रह्म तत्व ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि ब्रह्म तत्व नमो नमः श्री सर्वस्व ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वस्व नमो नमः श्री सहस्रार स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी नमो नमः श्री मोक्षदायिनी साक्षात् श्री मोक्षदायिनी नमो नमः अंतिम मंत्र है श्री महायोगदायिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री महायोगदायिनी नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी दीदी आरती के लिए आ जाइए आरती हम लोग खड़े हो जाएं और महसूस करें चैतन्य को इस अवस्था को तो बड़ी गहरी और अंतरदर्शन पर आधारित है इसे हम कहते हैं मेडिटेशन विथ